मैं ये मानता हूं कि फैमिली बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है आज के समय में वी आर डेफिनेटली डूइंग लोड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लीड्स अस इनटू लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट वर्सेस अ प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस वुड बी डूइंग हम लोग फिलमथ्रॉपी में ज़रूर फैमिली रन बिज़नेस मुझे तो कोई अभी तक नहीं मिला जिसने कुछ ना कुछ भाग या कुछ ना कुछ चीज़ अपने आसपास अपने समाज की अपनी कम्युनिटी की अपने लोगों की ना की हो और वी आर निम्बल एंड क्विक टू टेक डिसीजन सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फैमिली रन बिज़नेस की और मैंने एक ये यहाँ पे कोई साधन नहीं है लेकिन मैंने ये बनाया था तीन सर्कल ऊपर है ओनरशिप साइड में फैमिली है इधर बिजनेस है इन तीनों सर्कल में ओवरलैप तो होगा जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा इनको पूरा एक सर्कल मत कर दीजिए जहां आप एक सर्कल करेंगे जहां ये आपको समस्या आएगी जो आप गुजरात से आए आपको समस्या आ रही है इनको अलग रखेंगे तो आपकी बहुत समस्याओं का हल निकल जाएगा तो डोंट लेट देम टू मच ओवरलैब और एंड डोंट ब्रिंग योर इमोशंस टू मच इन द प्ले एक इकोनॉमिक टाइम्स की सर्वे सेप्टेम्बर दो हजार छ में हुई उसमें बी एस सी हंड्रेड कंपनीज का रिजल्ट उन्होंने एनालिसिस किया उसमें ये निकल के आया कि इट शोज दैट द फैमिली ओन्ड कंपनीज हैव रिपोर्टेड हायर ग्रोथ इन द नेट सेल्स नेट प्रॉफिट एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपेयर टू प्रोफेशनली मैरिज बिजनेस लेकिन इसके कॉन्ट्राडिक्ट्री भी स्टेटमेंट्स हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे लेकिन फैमिली ओन्ड बिजनेस जो है ना ये वर्ल्ड ओवर इट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्टली प्रैक्टिस वे ऑफ रनिंग बिजनेस लगभग अपने देश में पिचासी से ज्यादा प्रतिशत बिजनेसिस जो हैं वो फैमिली ओन फैमिली रन बिजनेसिस हैं 60 परसेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन दिस कंट्री आर बाय द फैमिली बिजनेसिस 60 परसेंट यानी कई बार आदमी सोचता है कि भाई सरकार सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है नो फैमिली रन बिजनेसिस आर डूइंग मच मोर अगर आपके एस्परेशन हैं टू लिस्ट योर कंपनीज टू गो टू द कैपिटल मार्केट वहाँ पे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि जो फंड मैनेजर्स हैं दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन दी प्रोफेशनली मैनेज बिज़नेसेस, प्रोफेशनली रन बिज़नेसेस, सम हाउ दे बिलीव दैट देर विल बी बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर कॉरपोरेट गवर्नेंस इन दी प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस लेकिन अगर उसको भी सोचें तो बहुत से केसेस देखने को हमको मिले हैं कि जहाँ प्रोफेशनली रन बिजनेसिस में ट्रांसपेरेंसी बल्कि कम रही है फैमिली रन बिज़नेसेस की जो है हमारे देश में फैमिली रन बिज़नेसेस को क्या बोलते हैं ज़्यादातर लोग लाला, लाला कंपनी हाँ। और क्यों कहते हैं इसका जब मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया तो ये समझ में आया कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा करके पहले टाइम में आज ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। आज हर कम्युनिटी के लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो लोग पहले कभी बिजनेस का ए बी सी भी नहीं जानते थे जैसे मेरे हरियाणा से जाट कम्युनिटी है मुझे नहीं लगता पहले जाट कभी कोई बिजनेस में आते थे आज आई एम श्योर आप में से कुछ लोग उस कम्युनिटी से होंगे तो ये ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये आज एप्लीकेबल नहीं है लेकिन किसी टाइम में जब ये लाला कंपनी कहने लगे थे क्यों कहने लगे थे इसका जवाब ये मिला मुझे अग्रवाल और मेश्वरी नॉर्थ इंडिया में थे जो बिजनेसमैन थे चेटियार इन साउथ इंडिया पारसी गुजराती जैन्स एंड गुजराती बनिया यानी गुजराती वैश्य खोजाज एंड मैम देवर इन वेस्ट सो ये और मारवाड़ी जो था वो हर पूरे वर्ल्ड ओवर ही था <laughs> देश में भी पूरी जगह था तो ये एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये स्थिति बनी लेकिन एक उदाहरण मुझे पढ़ते पढ़ते मिला जापान की एक कंपनी है कोंगो गुमी आप चाहे आप लोग स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर इट वॉज स्टार्टेड इन 578 एडी और अभी उस कंपनी को थर्टीएथ जनरेशन मैनेज कर रही उसी फैमिली की तीसवीं जनरेशन हम क्यों नहीं कर सकते हम में क्या गड़बड़ है कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो केवल मैं उसके लिए अगर मैंने ब्रीफ में अगर एक लफ्ज में एक लाइन में अगर मैं बात कहूँ तो मुझे ये समझ में आया कि बिजनेस शुड बिकम ए सिस्टम ड्रिवन बिजनेस एंड नोट ए पर्सन ड्रिवन बिजनेस नाम नहीं लूँगा मेरी एक कंपनी में मैंने एक सीईओ हायर किया आज से कोई बीस साल पहले की बात है वेरी वेरी कमिटेड स्ट्रोंग प्रोफेशनल और यानी उसने मेरे उस जिस बिजनेस का मैंने सीईओ लगाया उनको उन्होंने उसके अंदर तीन साल के अंदर अंदर कम से कम आठ गुना बढ़ोतरी की तीन साल में एट टाइम ग्रोथ उस लड़के ने दिया मुझे लेकिन दूसरे साल में हमें पता लगने लगा कि वो कहीं ना कहीं जाके मेरे भाइयों को मेरे ख़िलाफ़ कुछ बोलने लगा मुझे मेरे भाइयों के ख़िलाफ़ बोलने लगा तो आई वेंट इन टू ऑफ दैट केस कि ये क्यों कर रहा है इतना अच्छा प्रोफेशनल आदमी है बिजनेस बढ़ा रहा है फिर ये आदमी ये क्यों कर रहा है तो उसकी गहराई में जाते जाते समझ में आया कि उसका बचपन बड़ा खराब निकला उसके और उससे बड़े भाई या बहन में 18 साल का अंतर था जब पैदा हुआ दो चार साल का हुआ तो उसके माँ बाप ने कहा कि भाई यू आर अनवांटेड चाइल्ड वी नेवर वांटेड यू आप आ गए आप देखिए उस बच्चे के दिमाग पर क्या गुजरेगी और उसका जो बड़ा भाई उससे जो 20 साल बड़ा था जो दुकान पे काम करते थे उसने उनसे मुनीमों जैसा नौकर जैसा व्यवहार किया ऐसा जिसका बचपन गुजरा उसमें नेगेटिविटी आ गई हर पैसे वाले के विरुद्ध हो गया दिमाग उसका तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब प्रोफेशनल को किसी को हायर करें इम्पोर्टेंट पोजीशन में करें ज़रूर यू मस्ट चेक हिज और हर बैकग्राउंड हिज पेडिग्री देन ओनली हायर लेकिन साथ में एक और बात मैं याद दिलाना चाहूँगा हम सबको अपने आप को भी कि फैमिली के अंदर सक्सेशन प्लानिंग आपकी बड़ी डिफाइंड होनी चाहिए पहले से होनी चाहिए मुझे एक फैमिली का ध्यान है उन्होंने अपने फैमिली में सिस्टम किया हुआ कि जो भाई उस फैमिली के बिजनेस को या ग्रुप को चेयर कर रहा है चेयरमैन है उसका बेटा उस बिजनेस में नहीं आएगा हर हर एक के अपने अपने सिस्टम हैं आपकी फैमिली में जो आपको सिस्टम आपके सरकम से ठीक लगे आपस में बैठ के उस पर चर्चा करके आपको गवर्नेंस का भी सिस्टम बनाना चाहिए सबको समझना भी चाहिए एक समय आया मेरा एक अपने फैमिली मेंबर से मतभेद हुआ यहां तक मेरी अथॉरिटी है आई वाज चेयरिंग द कंपनी मैंने उसने कहा भैया कल से नहीं आओगे तुम काम पे बाकी भाई सब जो इकट्ठे हो गए ये क्या कर दिया आपने देखिए टू मी

समस्या कम हो गई थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट